हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ सुनने सुनाने कबल बारगाह रिसालत माप में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाह रब्ब मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक का मतलब कि देखा नहीं है फिर भी, देखा नहीं है फिर भी, दिल से मुझे यकीन है। देखा नहीं है फिर भी, दिल से मुझे यकीन है कि देखा नहीं है फिर भी। देखा नहीं है फिर भी, दिल से मुझे यकीन है कि चेहरा मेरे नबी का, चेहरा मेरे नबी का हर चेहरे से हसीन है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत नबी, बहुत अच्छे भाई, चेहरे से हसीन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे का हर चेहरे से हसी है। और ये भी शेर बतौर खास ज्यादा फरमाएंगे हजरत कि चेहरा मेरे नबी का हर चेहरे से हसी है, और उकबा की नेमतों का, उकबा की नेमतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन उकबा की नेमतों का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन के उकबा की नेमतों का सरकार है यहाँ तो, सरकार है यहाँ तो सब कुछ मेरा यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यहाँ तो सब कुछ मेरा यही है। और बख्शा है हक ताला ने वो अजीम रुतबा, बख्शा है हक ताला ने वो अजीम रुतबा के बख्शा है हक ताला, बख्शा है हक ताला ने वो अजीम रुतबा। सानी मेरे नबी का, सानी मेरे नबी का नबियों में भी नहीं है। सानी मेरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे में भी, और बहुत ही प्यारा शेर पेश करता कि इजहार कर रही है, बिलखुसूस चाहूंगा, इजहार कर रही है कर रूबियां की आमद, इजहार कर रही है कर रूबियां की आमद, इजहार कर रही है कर रूबियां की आमद, के इजहार कर रही है, इजहार कर रही है कर
दे रोजा मेरे नबी का, रोजा मेरे नबी का, जन्नत से भी हसी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत से भी हसी है। और करता हूँ मुलायदा करें हजरत, ये काबा दिखा के शहर मदीना दिखा के आ, काबा दिखा के शहर मदीना दिखा के आ, काबा दिखा के शहर मदीना दिखा के आ, जो है जमीन पे खुल्द का नक्शा दिखा के आ, के सुने ऐ मेरे नसीब किसी रोज तू मुझे अल्लाह के हबीब का रोजा दिखा के आ, अल्लाह के हबीब का रोजा दिखा के आ। और इश्के नबी से होता है जन्नत में दाखिला, जन्नत में दाखिला, के इश्के नबी से होता है जन्नत में दाखिला, इश्के नबी से होता है जन्नत में दाखिला, तू आ सके तो खुल्द में सजदा दिखा के आ, तू आ सके तो खुल्द में सजदा दिखा के आ। दरुदे पाक पढ़े, अल्लाह रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अली गाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मतला दो शेर जगह ले लूंगा, बतौर खास मुलाहदा करेंगे। मोहम्मद 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 कहे खुदे खुदा भी, मोहम्मद मोहम्मद कहे खुदे खुदा भी, मोहम्मद 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 कहे खुद खुदा भी, के तारीफ तेरी है रब की सना भी, के तारीफ तेरी है रब की सना भी, और परिंदे भी करते हैं मिदहत तुम्हारी, परिंदे भी करते हैं मिदहत तुम्हारी, परिंदे भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं मिदहत तुम्हारी, कसीदा तेरा पढ़ रही है हवा भी, कसीदा तेरा पढ़ रही है हवा भी, और बशर अपने जैसा कहे जो नबी को, बशर अपने जैसा कहे जो नबी को, कि बशर अपने जैसा बशर अपने जैसा कहे जो नबी को, वो है बद अकीदा भी और बेहया भी, वो है बद अकीदा भी और बेहया भी। और आखिरी हजरत के नबी का है घर जय सितारों का झुरमुट, नबी का है घर जय सितारों का झुरमुट, के नबी का है घर जैसे
का है घर जैसे तारों का झुरमुट, अली भी हुसैनों हसन फातिमा भी, अली भी हुसैनों हसन फातिमा भी। और दुआ के साथ मक्ता मुलाहदा फरमा लें हजरत के मुकद्दर जो मेरा, मुकद्दर जो मेरा हसीन औज पर है, मुकद्दर जो मेरा हसीन औज पर है, मुकद्दर जो मेरा पर है, करम मुस्तफा का है रब की अता भी, मुहम्मद मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हसीन आरफी बनारसी। अब तीन शोरा इकराम मेरी फहरिस्त में बाकी हैं, बस एक शेर पढ़ूं और उसके बाद और मेरे भाई अदब के साथ बैठो। नबी की जिक्र की महफिल है। कानपुर का एक शायर कहता है, सैफ रजा कानपुरी ने कहा था कि जब गुंबदे खजरा पे नजर जाए तो अच्छा, ये सैफ उसी वक्त ही मर जाए तो अच्छा, ये उम्र इबादत के लिए सबसे अहम है, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा, जवानी में सुधर जाए तो अच्छा, इंसान जवानी में सुधर जाए तो अच्छा। बस एक शेर पढ़ दूं और उसके बाद अजमत मुजफ्फरपुरी सुम्मा इलाहाबादी आपकी समातों के हवाले के दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरे तकदीर की मेराज हो जाए, और अगर अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शारे मुल्क हिंदुस्तान मद्दाहे अहले बैत बड़े भाई मोहतरम अजमत मुजफ्फरपुरी सुमैल हबादी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से, अपने अशार से, अपनी फिक्र से हम तमाम सामेईन को नवाजें।